तो आपको मैं आज क्लास 12 की एक खूबसूरत विषय बायो की एक खूबसूरत ब्रांच के बारे में पढ़ाता हूँ। इस ब्रांच का नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अगर इसकी डिफिनीशन लिखी जाए, इसकी डिफिनीशन है ये देखिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखिए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखिए जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। तो ये है, अगर आपको और पूरा करना है तो आप लिखिए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और डिटेल क्लियर कर दीजिए एसेंशियल फॉर लाइफ। जीवन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, एक आपने लिखा है जेनेटिक मटेरियल, आपने लिखा है प्रोटीन। तो इस ब्रांच में, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच में, हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, एक स्टडी करते हैं जेनेटिक मटेरियल का और दूसरी स्टडी करते हैं प्रोटीन्स का, मतलब दो चीजों की स्टडी करते हैं। बायो की ये प्रीमियम ब्रांच है। आपको मैं बता दूं कि नीट के एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन लेके आता है, ये क्लास 12 का ये चैप्टर 4 से 6 क्वेश्चन लेके आता है बायो की इस ब्रांच में। इस ब्रांच से 6 क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 का, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है टॉपिक है, जिससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। इसमें आपको रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, लय को प्राण, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको इसके एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर कराता जाऊंगा और आपको ध्यान से देखना है। आइए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो की वह ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन की मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, जिनकी साइज बड़ी है। मैं आपको बता दूं, डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का लॉन्ग पॉलीमर है। पॉलीमर समझते हो ना, मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, तो ये पॉलीमर है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बहुत सिंपली, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाके सीधे बेसिक बात पे आते हैं। बेटा ये देखो, आपने इनका नाम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये है फ्रेडरिक मिशर नाम है इनका। कभी कभी लोग इन्हें माइशर पढ़ते हैं, लेकिन आपको फ्रेडरिक मिशर पढ़ना है। ये देखिए, सबसे पहले ये आदमी आता है, फ्रेडरिक मिशर आते हैं। ये देखिए, टाइम है 1869 का। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट कॉइन द टर्म न्यूक्लीन। सबसे पहले इन्होंने डीएनए को देखा सेल के न्यूक्लियस में, और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लीन रखा। न्यूक्लीन सबसे पहले टर्म दिया। मैं आपको बता दूं, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन है। बाद में अल्टमैन ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम अल्टमैन है, इन अल्टमैन ने सबसे पहले फर्स्ट क्वाइंड द टर्म, ये देखिए कौन सा टर्म, जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक मटेरियल टर्म कहा डीएनए और आरएनए के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री जो शुरू होती है फ्रेडरिक मिशर से शुरू होती है। 1869 में सबसे पहले डीएनए को जो है न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने देखा और डीएनए को इन्होंने न्यूक्लीन कहा। फिर ये देखिए, अल्टमैन ने इसे जेनेटिक मटेरियल कहा। इसके बाद जो आती है, अगर आपको पता होगा बेटा, ये नाम है, एक साइंटिस्ट है उनका नाम जैकेरिस एक साइंटिस्ट है। उन्होंने फर्स्ट क्वाइंड द टर्म डीएनए। ये एक छोटी सी हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक सी हिस्ट्री है। अगर हम इस खूबसूरत विषय को शुरू करना चाहते हैं, शानदार सब्जेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू यहां से होता है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसको जब शुरू करते हैं तो हम ये पढ़ना शुरू करते हैं, ये पढ़ते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ ये देख बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये देखिए सबसे पहले यही से शुरू होता है ये सब्जेक्ट, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर मैं आपसे कहूं तो इसे दिया था क्रिक ने, जो वाटसन क्रिक में जो क्रिक है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। क्रिक ने ये कॉन्सेप्ट 1953 में दिया था। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनिए। कोई सेल है जिसका जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है, तो उस सेल में अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, अगर उस सेल में डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं, चाहे रिप्लिकेशन कहें और चाहे इसे डुप्लीकेशन कहें। ध्यान रखेंगे, अगर कोई सेल है और उस सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। उसी सेल में अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये देखिए इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसे रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहेंगे, डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और उस सेल में जब आरएनए से प्रोटीन बनती है, उस सेल में जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये देखिए फिर से सुन लीजिए, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं किसी सेल में, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो ट्रांसलेशन बनेगा, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन काफी दिन तक चलती रही, यही लोग जानते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। फिर ये देखिए एक टाइम आया, एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था विल्टीमोर, ये देखिए बाल्डीमोर नाम था, और इनके साथ एक इनके मित्र थे उनका नाम टेमिंग था, ये देखिए, एंड एक वैज्ञानिक आया उनका नाम टेमिंग था। ये दोनों लोग 1970 में आए, 1970 में उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे हम लोग रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा या इनवर्स सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया 1970 में। ये कॉन्सेप्ट तब आया जब रिट्रोवायरसेस की खोज हुई, अगर आपको पता होगा रिट्रोवायरसेस उन्हें कहते हैं जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और उस आरएनए से डीएनए बनता है। ऐसे वायरसेस जिनसे आरएनए से डीएनए बनता है उन्हें रिट्रोवायरसेस कहते हैं। एचआईवी का जो वायरस है, कोविड का जो वायरस है, वो सब के सब जो है रिट्रोवायरसेस होते हैं। जब इन्होंने बाल्डीमोर ने यह कॉन्सेप्ट दिया, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा दिया 1970 में दिया, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हो गया। देखिए इन्होंने कहा भाई ये बात सही है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं, इन्होंने कहा डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। इस आरएनए से अगर डीएनए से आरएनए बन सकता है तो आरएनए से डीएनए बन सकता है, और आपको पता होगा इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। जिस भी वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा वह वायरस आरएनए से डीएनए बना देगा, और इस तरह के वायरस को हम लोग रिट्रोवायरस कहते हैं। फिर वही पुरानी बात, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। ये देखिए तो अब आपको क्या करना है, आरएनए से डीएनए जब बनता है तो ऐसे वायरस को कौन सा वायरस कहते हैं, रिट्रोवायरस कहते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। और एग्जाम्पल मैं ले देता हूँ रिट्रोवायरसेस के एग्जाम्पल। ये देखिए एक एग्जाम्पल है जिसका नाम एचआईवी है, अभी जो चल रहा है कोविड-19 है, ये सारे वायरसेस रिट्रोवायरसेस हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में आपको डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए से डीएनए बनता है रिप्लिकेशन पढ़ना है, डीएनए से आरएनए बनना है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, आरएनए के तीनों टाइप पढ़ने हैं, आरएनए से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन की आरएनए से जब प्रोटीन बनती है उसे ट्रांसलेशन का पढ़ना है। इस तरह से आपको ये देखना है कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहती है, क्रिक कहते हैं कि डीएनए से डीएनए बनता है इसे रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनती है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। बाल्डीमोर ने
वोल्टिमोर और टेमिन ने जब ये देखा कि आरएनए से डीएनए बनता है हिंदू वायरसेस में, एचआईवी और कोविड 19 में, तो वोल्टिमोर ने रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा या इनवर्स सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि डीएनए से आरएनए बन सकता है तो आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दिया है, साइन लगा दिया है। इस तरह से आपको देखकर ध्यान रखना है कि ऐसे भी वायरसेस हैं जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे वायरसेस को रेट्रो वायरसेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए एचआईवी और कोविड 19। हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे किसे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे किसे। जैसे अगर हम आपसे कहें सेल में क्या है, तो आप कहेंगे सर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं सेल में। तो सेल में आखिर दो ही लोगों को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? वो कौन से दो लोग हैं जिनको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं? ये एक डीएनए है जो हायर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, ये एक आरएनए है जो प्लांट वायरसेस में जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियोफेजेस में जेनेटिक मटेरियल है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और हायर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। मतलब ये तो ऐसे मटेरियल है, ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आखिर हमने इन्हें जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा? हमने प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कहा? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कहा? ऐसी क्या खास बात है इन दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे डीएनए और आरएनए में जिनको हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं? क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? क्या कोई क्राइटेरिया है जो जेनेटिक मटेरियल को तय करती है? जी हाँ, आइए देखते हैं जेनेटिक मटेरियल को क्राइटेरिया कौन कौन सी है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल अगर किसे कहेंगे, ये देखिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ये देखिए, इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रिप्लिका। इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रिप्लिका, ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल में। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे समझेंगे। इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रिप्लिका, ये पहला क्राइटेरिया है, ये पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज के जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि डीएनए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? तो जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए एनसीईआरटी ने जो है चार क्राइटेरिया लिखे हैं कि जो ये चारों क्राइटेरिया पूरी करेगा वो जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रिप्लिका। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें, मान लेते हैं हम एक्सप्लेन करें इस बात को, एक्सप्लेनेशन देखें, तो आप ये देखिए, इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रिप्लिका। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। अभी आपने पहले भी लिखा था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। और आपने लिखा क्या क्राइटेरिया कि अपनी कॉपी बनाता है, तो डीएनए अपनी कॉपी बना पाता है। इसीलिए डीएनए के जब डीएनए अपनी डीएनए से बनाता है, ये देखिए अगर कोई सेल है तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल से इस सेल में दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अगर आपको मैं कहूं ये कौन सा फेज है सेल साइकिल का, तो आप कहें जब सेल साइकिल का ये यस फेज है। जब सेल साइकिल का यस फेज आता है तो ये कंडीशन दिखाई पड़ती है, आपको एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल दिखाई पड़ते हैं, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। आप ये बात कहते हैं कि डीएनए के अमाउंट डबल हो जाने से क्रोमोसोम भी डबल हो जाते हैं, जबकि क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं। आपने पढ़ा है यस फेज के बाद सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम संख्या कांस्टेंट होती है। तो डीएनए देखिए अपनी कॉपी बना पाता है, आरएनए भी अपनी कॉपी बना पाता है। तो डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो ये ऑटोकैटालिटिक है, डीएनए से आरएनए बनता है। अभी आपने इसको पहले भी लिखा है कि इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये देखिए आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो अब आपको ये बात समझनी है मेरे दोस्त कि डीएनए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है कि ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल डू नॉट मेक इट्स रिप्लिका। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल दूसरा प्रोटीन खुद नहीं बना सकता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन आरएनए से हो सकता है लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती है, जबकि डीएनए से डीएनए बन सकता है और आरएनए से आरएनए बन सकता है। तो जो अपनी कॉपी बना पाए, अपनी रिप्लिका बना पाए, अपनी कॉपी बना पाए, जो अपनी स्कैनिंग कर पाए, जो अपनी कॉपी बना पाए, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए अपना कॉपी बना सकते हैं लेकिन प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकते हैं। ये बात ऑलरेडी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन की है, मैं यहां लिख देता हूं, एनसीईआरटी ने ये बात कही है कि प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकती है, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। दूसरा इसका क्राइटेरिया देखिए,
अगर आप इसका दूसरा क्राइटेरिया देखिए, तो इसका दूसरा क्राइटेरिया है इट शुड बी ये देखिए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, इसका भी ध्यान रखना है। जेनेटिक मटेरियल उसे कहेंगे जो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल हो। इसका सेंस क्या हुआ कि स्टेबिलिटी का क्या सेंस है यहाँ पे, अगर आप देखें, अगर आप इस बात को इस लाइन को कंफर्म करना चाहें कि इसमें क्या स्टेबिलिटी है इन दोनों में, तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए जीवन के किसी भी एज में, किसी भी फेज में, किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब फेज में, एज में, फेज में, या किसी और भी चीज के कारण ये प्रभावित नहीं होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी प्रभावित नहीं होती है। अगर आपसे मैं पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे सर डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसके कंपेरिजन में आरएनए कम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये कह सकते हैं इन दोनों के कंपेरिजन में। इन दोनों की बात करें, मतलब किसी भी आप लाइफ के किसी फेज में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग हैं, किसी भी फेज में हैं, तो इसके स्टेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फेज कोई भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डीएनए फिक्स होगा। आपने पढ़ा है ना, आपने ही बात तो पढ़ी है कि अगर ओजोन खत्म हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगी, तो सनलाइट तेजी से अर्थ पे आएगी, और जब सनलाइट ज्यादा अमाउंट में अर्थ सनलाइट आएगी, तो ये जो हमारी स्किन है इसमें जो सेल्स हैं उनके डीएनए ब्रेक कर जाएंगे, डीएनए सेपरेट हो जाएंगे, और डीएनए के सेपरेट हो जाने से ये जो डीएनए इसमें म्यूटेशन का रेट फास्ट हो जाएगा, और हमें तमाम तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे, तमाम तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो किसी को केमिकल, किसी को जेनेटिक मटेरियल तब कहते हैं, पहली बात जब वो अपनी कॉपी बना पाए, और दूसरी बात जब वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। हम डीएनए आरएनए को दोनों को देखें तो लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, कि टेम्परेचर हो, पानी हो, एसिड हो, वेस हो, किसी फेज में हम लोग ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये बॉडी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, एनसीईआरटी ने इसको भी लिखा हुआ है। अगर हम तीसरा आपको क्राइटेरिया बताएं कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो अगर आप इसका तीसरा कंडीशन देखें, तो ये देखिए इसका तीसरा कंडीशन है इट शुड हैव स्कोप फॉर इवोल्यूशन। इसका सेंस एक दूसरा बात कह सकते हैं कि एक ध्यान रखना है, स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए। ये देखिए स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए। अब अगर इसी बात को ऐसे देखा जाए, ये बात समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। तो मैं अगर आपसे पूछूं पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, तो आप कहेंगे सर आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब जीवन का निर्माण हो रहा था, तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए था, ये आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए बाद में मॉडिफाइड होकर क्या बना, मॉडिफाइड तो नहीं कह सकते, बाद में डीएनए बना। तो अगर आरएनए डीएनए में देखा जाए तो ये आरएनए अनस्टेबल है। अनस्टेबल का कारण क्या है, अनस्टेबल का अगर हम लोग कारण देखें कि ये इसका कारण क्या है, तो आरएनए का अनस्टेबल होने का कारण इसमें पड़ा हुआ यूरेसिल है। जो इसमें यूरेसिल होता है इसके कारण अनस्टेबल आरएनए है, इसीलिए इस आरएनए में फास्ट रेट ऑफ म्यूटेशन है। मतलब आरएनए में म्यूटेशन की रेट फास्ट है, ये बात आपको समझना है, फास्ट रेट ऑफ म्यूटेशन है ये देखिए। लेकिन अगर हम लोग डीएनए की बात करें, तो डीएनए की बात करें अगर हम लोग, तो डीएनए जो है स्टेबल है, और आरएनए के कंपेरिजन में ये डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, मतलब इसमें स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन है। तो हम दोनों को कंपेयर भी बात करें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसमें स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन है इस आरएनए में, जबकि डीएनए में स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन है, आरएनए में फास्ट रेट ऑफ म्यूटेशन है। तो आपसे पूछा गया है, एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है कि आरएनए और डीएनए में बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आरएनए और डीएनए में बेस्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सकता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ये एक्सप्रेस कर सकता है तो स्टोर नहीं कर सकता है, ऐसा भी लिखा गया है, इसका पूरा ध्यान रखना है। एक लास्ट आप इसको और देख लीजिए, किसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये देखिए लास्ट क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल की। तीन क्राइटेरिया हमने पढ़ाया, पहली क्राइटेरिया पढ़ाया आपको, पहली क्राइटेरिया पढ़ाया
ये देखिए इसके पास ये अपनी कॉपी बना सकता है, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, और देखिए इवोल्यूशन के लिए किसके पास स्कोप होना चाहिए, स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए। चौथा देखिए लास्ट वाला, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ये जेनेटिक मटेरियल की चौथी क्राइटेरिया है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जैसे जो आप मेंडल के रूल पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, उसके फॉर्म में इसको एक्सप्रेस होना चाहिए। तो अब आपको याद करना है कि जेनेटिक मटेरियल कैसे कहते हैं। पहली बात, जो अपनी कॉपी बना पाए, डीएनए आरएनए दोनों अपनी कॉपी बना पाते हैं, जो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल हो, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होती, क्योंकि वो अपनी कॉपी नहीं बना सकती है, इसका ध्यान रखना है। जिसमें स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन हो, म्यूटेशन का रेट स्लो हो, म्यूटेशन धीरे धीरे हो, तभी स्टेबल होगा, तभी म्यूटेशन स्लो होगा। वो कहना नहीं सुना है यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो यार बदलना जाना मौसम की तरह, मौसम बार बार बदलता है, तो अगर यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो ये गाना आरएनए के लिए गाया गया है कि आरएनए बार बार मौसम की तरह बदल जाता है। जो कोविड-19 आया है वायरस, ये यार ही तो है जो बार बार मौसम की तरह बदल रहा है। तो जिसमें बार बार लगातार चेंज आ जाते हैं वो अनस्टेबल आरएनए है, और जिसमें स्टेबिलिटी है वो डीएनए है, इसका ध्यान रखना है। और जो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होगा। ये चार क्राइटेरिया है, चारों आपको याद करनी है। तो अब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए का डिटेल पढ़ना है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले डीएनए का फुल नाम आप समझें कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें डीऑक्सी जो राइबो टर्म है वो प्रोटीन उसके शुगर का नाम है, न्यूक्लिक एसिड। अब आपको समझना है कि डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो अगर आपको डीएनए के बारे में सबसे पहले देखना है, अगर आपकी इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, पूरा डिटेल देख लेते हैं इसका। अगर हम इसके डिस्कवरी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले डिस्कवरी में अगर देखें, तो सबसे पहले जो है डिस्कवरी में इनका नाम आता है, फ्रेडरिक मिशर का नाम आता है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने इनका नाम दिया हुआ है फ्रेडरिक मिशर का। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को खोजा था, और इस डीएनए को इन्होंने न्यूक्लीन टर्म दिया था डीएनए को। ये टाइम है 1869 का। 1869 में डीएनए को इन्होंने खोज के सबसे पहले इसको न्यूक्लीन टर्म दिया। पहली इसकी हिस्ट्री में ये नाम आता है। दूसरी जो हिस्ट्री है इसकी, ये वो ये है कि अल्टमान जो साइंटिस्ट थे, अल्टमान ने इसे जेनेटिक मटेरियल कहा। वैसे अल्टमान ने जेनेटिक मटेरियल शब्द का इस्तेमाल किया था, तो जेनेटिक मटेरियल टर्म का इस्तेमाल अल्टमान ने किया। ये देखिए तीसरी बात देखिए, 1953 में वाटसन और क्रिक ने इन दो साइंटिस्टों ने, वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले इसके डबल हेलिकल मॉडल को एक्सप्लेन किया, जो बहुत ही फेमस है। इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिलता है। ये देखिए इसके बाद देखिए 1950 में सरगेफ एक साइंटिस्ट है, सरगेफ रूल है इनका, सरगेफ ने, इनको सरगेफ कहते हैं, इन्होंने इसके लिए इक्विवेलेंस ला दिया। ये देखिए, तो सबसे पहले डिस्कवरी की फ्रेडरिक मिशर ने, इन्होंने इसे न्यूक्लीन कहा, अल्टमान ने जेनेटिक मटेरियल कहा, 1953 में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया, 1950 में सरगेफ ने इसका इक्विवेलेंस रूल दिया। ये देखिए रोजालैंड फ्रैंकलिन और एक साइंटिस्ट और है एंड मॉरिस विल्किंस। ये देखिए रोजालैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने, मॉरिस विल्किंस इनका नाम है, इन लोगों ने इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया, इसी डीएनए का
एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी किया, ये देखिए एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी किया, ये देखिए एक नाम और देख लीजिए, एक साइंटिस्ट है उनका नाम है ग्रिफिथ, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इनका पूरा डिटेल। ग्रिफिथ ने इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारी है, धीरे धीरे सामने आएंगी, पढ़ा जाएगा, लेकिन बस अब अभी आपके लिए इतना ही परफेक्ट है। फिर से हिस्ट्री देख लीजिए, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिन कहा, अल्टमैन ने जेनेटिक मटेरियल कहा, 1953 में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया, 1950 में शेलगैप इक्विवेलेंस रूल दिया, रोजालैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने जो है इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, ग्रिफिथ ने इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया। ये रहा इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी मैंने जो पढ़ाई आपको। अगली बात देखिए, अगर इसकी अक्रेंस देखिए कि ये सेल में है कहां पे, तो अगर आप इसकी अक्रेंस देखते हैं तो ये ध्यान से देखिए, अक्रेंस माने सेल में है कहां पे। तो अब अक्रेंस इसकी दो जगह देखी जाएगी, एक सेल देखी जाएगी, एक इसकी प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहां पे है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए कहां पे है ये देखना है, और दूसरा आपको देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में ये डीएनए कहां पे है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए है कहां पे, सबसे पहले ये देख लिया जाए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर आप इसकी डिस्कवरी देखें, डीएनए की लोकेशन देखें, तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक देखें। अगर कोई बैक्टीरिया है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये देखिए एक तो डीएनए यहां पर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ा है, और दूसरा इसमें डीएनए पड़ा है प्लाज्मिड के रूप में, ये देखिए। तो एक तो ये डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए जो है हिस्टोन से नहीं जुड़ा है, किस प्रोटीन से, हिस्टोन से नहीं जुड़ा है, इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए क्यों है, क्योंकि यह डीएनए हिस्टोन से नहीं जुड़ा है। आप लिख लीजिए ये इसका टाइप जो है नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन यहां पर अब्सेंट होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। डिटेल में भी आपको पढ़ाता हूं हिस्टोन के बारे में, तो आपको यह ध्यान रखना है। अब दूसरी बात देखिए कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये साइटोप्लाज्म पड़ा है और इसका शेप कैसा है, सर्कुलर डीएनए है, क्योंकि इसमें हिस्टोन नहीं पड़ी हुई है। अगर हम इसी सेल को यूकैरियोटिक सेल बना के देखें, ऐसे एक सेल बनाइए, ऐसे यहां पे ऐसे सेल बना दीजिए, फिर आप यहां पर न्यूक्लियस बना दीजिए, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस बना दीजिए। अगर आपने न्यूक्लियस बना दिया तो ये सेल हो गई यूकैरियोटिक, क्योंकि आपने न्यूक्लियस बना दिया। आप कभी भी यूकैरियोटिक सेल में डीएनए नहीं बना सकते हैं, आप यहां पर क्रोमैटिन बनाते हैं। अगर मैं यहां कह दूं कि यहां पर डीएनए है, एक डीएनए तो यहां पर न्यूक्लियस में है, दूसरा डीएनए देखिए, ये डीएनए है इसके, ये देखिए आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये माइटोकांड्रिया है और ये क्लोरोप्लास्ट है। ये देखिए मैं दोनों का नाम लिख देता हूं, ये है माइटोकांड्रिया, ये है माइटोकांड्रिया और ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर भी डीएनए पड़ा हुआ है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए तीन जगह पर है। अगर आप ये बात समझ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एक डीएनए है न्यूक्लियस में, अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं तो डीएनए की लोकेशन तीन है। पहला जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में जो आपको दिख रहा है साफ साफ यहां पे, ये लोकेशन देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। तो एक डीएनए न्यूक्लियस से पड़ा हुआ है, ये जो डीएनए न्यूक्लियस का पड़ा हुआ है इसका शेप अगर देखा जाए तो ये डीएनए लीनियर डीएनए है, मतलब लीनियर डीएनए इसलिए कहा गया है कि इसके न्यूक्लियस में ये प्रोटीन पड़ी है। कौन सी प्रोटीन पड़ी है, हिस्टोन प्रोटीन पड़ी है, मतलब अगर डीएनए हिस्टोन से जुड़ा है, बहुत सिंपल सी बात है, हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट है। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल, ये जो डीएनए है अगर हिस्टोन के साथ रहता है, इसका शेप जो होता है लीनियर हो जाता है, ये देखिए, और अगर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है तो डीएनए का शेप सर्कुलर हो जाता है। जब डीएनए लीनियर होता है तो उसे क्रोमोसोम बनता है, डीएनए जब सर्कुलर होता है तो उसे क्रोमोसोम नहीं बनता है। अब आप इसकी दूसरी बात करें, अगर इसके हम लोग देखें यहां पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गेनुलर डीएनए, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल के अंदर पड़ा है, ऑर्गेनुलर डीएनए है। तो ऑर्गेनुलर डीएनए दो है, अगर आप ऑर्गेनुलर डीएनए देखें तो एक डीएनए है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पहला डीएनए है,
और दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट में है। इनका भी अपना जीनोमिक सिस्टम है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बात ध्यान दें कि इन माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये सर्कुलर डीएनए है। मतलब कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए। आपको ध्यान रखना है यहां का डीएनए माइटोकांड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का और प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए, तीनों का तीनों सर्कुलर है। ये देखिए यहां भी डीएनए सर्कुलर है और यहां पर भी डीएनए सर्कुलर है। मतलब माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, तीनों का डीएनए सर्कुलर है। ऐसा क्यों होगा? फिर आप वही कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हिस्टोन प्रोटीन क्या है? अब्सेंट है। मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करा दूं, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है। एक बार प्लीज आप इसको ध्यान से देख लें, नहीं आपसे हो जाएगी गलती। डीएनए कहां कहां पे है? यहां साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, प्लाज्मिड है। इस डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं और वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो इन दोनों डीएनए में हिस्टोन नहीं है। इनका जो शेप है वो सर्कुलर डीएनए है। देखो सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए पूरा पूरा सर्कुलर है, वहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं पड़ी है। देखिए अब यहां आइए, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए, ये दूसरी जो सेल है, तो डीएनए तीन जगह है, न्यूक्लियस में है, माइटोकांड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में है। इन तीनों डीएनए में क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डीएनए न्यूक्लियस वाला है, इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई है। इस डीएनए के साथ, अगर आप चाहें तो यहां लिख दें, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए के साथ है। इस हिस्टोन प्रोटीन के जुड़ने के कारण, इस हिस्टोन प्रोटीन के जुड़ने के कारण इस डीएनए का जो शेप है वो लीनियर है। लेकिन ये माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए इनका शेप कैसा है? सर्कुलर है। मतलब माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पड़ा हुआ डीएनए लीनियर है, इसका ध्यान रखना है। तो टोटल हिस्टोन है कहां पे? केवल न्यूक्लियस में है। ना यहां हिस्टोन है, ना यहां हिस्टोन है और यहां हिस्टोन है। तो डीएनए के शेप कितने हुए? दो, एक सर्कुलर और एक लीनियर। लीनियर डीएनए न्यूक्लियस में, सर्कुलर डीएनए माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल में। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आपको मैं डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो डीएनए है, अगर इसके बारे में पहला कमेंट लिखा जाए कि डीएनए इज, ऐसे लिखिए, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए इज, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए इज, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है वो डीएनए का फॉर्मेशन करती है, उसी का ये पॉलीमर है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उसी से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल है डीएनए, उसकी स्टडी करनी है। दूसरी बात आप याद रखें, द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बेस पेयर। ये बेस पेयर क्या है हम आपको भी डिटेल में सिखाते हैं। मतलब डीएनए की जो लंबाई है वो बेस पेयर की संख्या पे डिपेंड करती है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अगर आप एग्जांपल देखें तो ऑर्गेनिज्म देख लें, जीव देख लें, ऑर्गेनिज्म, ये पहला कॉलम। दूसरा देख लीजिए, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है इसको देख लीजिए, जेनेटिक मटेरियल क्या है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है। तीसरी बात देखिए, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद, कि इसमें बेस पेयर कितने हैं। बेस पेयर को हम साठ में बीपी लिख सकते हैं, बेस पेयर कितने हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दिए हैं, आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखेंगे और मिलाते जाएंगे। सबसे पहला जो है ये है साई इंटू 174 वायरस। ये पहला जो है आपके यहां जीव है जिसकी संख्या दी गई है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये डीएनए जो है लीनियर है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके इस जो है ये लीनियर है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें बेस पेयर है 5386 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये देखिए ये बेस है इसमें, ये पहला है साई इंटू 174 वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसका डीएनए का शेप लीनियर है और बेस पेयर है 5386 बेसिस है। दूसरा देखिए, जो आपके यहां दिया गया है वो दिया गया है बैक्टीरियोफेज लैम्डा।
बैक्टीरियोफेज लेमडा दिया गया है, इसका जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी डीएनए लीनियर है, और इसमें जो बेस पेयर है वो है 48506 बेस पेयर, 48506 बेस पेयर है। तीसरा देखिए, ये स्टेराचिया कोलाई है, ये हमारी कोलन में पाया जाता है, बैक्टीरिया है। अगर इसका आप डीएनए देख लें तो ये डीएनए इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन ये डीएनए सर्कुलर है। मैंने अभी आपको बताया डीएनए सर्कुलर तब होता है जब उसमें हिस्टोन नहीं होती है, और अगर डीएनए के साथ हिस्टोन है तो इस डीएनए का शेप लीनियर होता है। अगर आप इसमें बेस पेयर देखें तो 3.3×10^9 बेस पेयर है डीएनए। इसी तरह से अगर आप ह्यूमन में देखें, ह्यूमन में तो ह्यूमन में दो कंडीशन है। अगर आप ह्यूमन में अगर हैप्लॉयड देखें, मतलब हैप्लॉयड माने यंग स्पर्म या ओवम में जो डीएनए है, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ह्यूमन है तो डीएनए लीनियर है, बेस पेयर है यहाँ 3.3×10^6 है, यहाँ पर 3.3×10^9 बेस पेयर है। ये ह्यूमन की हैप्लॉयड सेल में इतना डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए लीनियर है, इतने बेस पेयर है। अगर आप इसे 2n देख लें तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सेम कॉन्सेप्ट है, डीएनए लीनियर है, सेम कॉन्सेप्ट है, फर्क ये है ये 6.6×10^9 बेस पेयर है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि डीएनए की ये टेबल है आपके यहाँ एनसीईआरटी में दी गई है, एनसीईआरटी में इसको दिया गया, इसको और इसको, और ये इसका हैप्लॉयड दिया गया है, तो डीएनए का जो लेंथ है वो बेस पेयर पे डिपेंड करती है, और डीएनए जो पॉलीमर है वो किसका है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का है। अब आपको समझना है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है क्या है, या न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो आपको सबसे पहले एक टर्म सीखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह के हैं। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स आपको आरएनए बनाने हैं, आरएनए बनाना है, तो आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, क्योंकि इसमें राइबोसुगर है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। ये देखिए, अगर आपको डीएनए की बात करनी है, डीएनए की बात करनी है तो ये बना हुआ है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब हमको न्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, तो हमको क्या दें, न्यूक्लियोटाइड्स का देखना है। तो हमको समझना यह है कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। अगर हमको न्यूक्लियोटाइड्स पता चल जाए कि आरएनए जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनता है, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बनता है, अगर हम इसे सीख जाए तो हमको फिर न्यूक्लियोटाइड्स पता चल जाए, तो राइबो डीऑक्सीराइबोस का सिर्फ शुगर का फर्क है। अगर आप देखें तो यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर है और यहाँ पर राइबो शुगर है, इसलिए नाम के आगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगा है और यहाँ नाम के आगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगा है। आरएनए का देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसलिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बना है क्योंकि वो, और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। तो अगर हम आपको बताएं कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों का बना होता है, अच्छा देखिए न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों का बना है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम पढ़ लेंगे तो उसमें डीऑक्सी और राइबो को दोनों को हम लोग कन्फर्म कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कितनी चीजों का बना है। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स जो है तीन चीजों का बना है, सबसे पहले बना है बेटा वो नाइट्रोजन के बेस का, नाइट्रोजन के बेस जो है इनके बने हुए हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन का बेस चाहिए। दूसरी बात आपको शुगर चाहिए, अभी शुगर दो हो सकती है, एक राइबो शुगर हो सकती है और एक डीऑक्सीराइबो शुगर हो सकती है। तो अगर डीएनए है तो यहाँ कौन सा शुगर हो जाएगी, डीऑक्सीराइबो शुगर, आरएनए है तो राइबो शुगर हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आरएनए फिलहाल अभी आप देखिए, तीसरी बात है जो फास्फेट चाहिए, इसी फास्फेट के कारण डीएनए का जो नेचर है एसिडिक है, जो आप डीएनए का नेचर लिखते हैं कि एसिडिक नेचर का है, उसका कारण कौन है, फास्फेट है। मतलब ये जो फास्फेट है इसके कारण डीएनए का नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए एसिडिक क्यों है, तो आपको जवाब देना है उसका कारण कौन है, फास्फेट है। इसका पूरा ख्याल रखना है आपको। तो अब आपको तीन चाहिए नाइट्रोजन के बेस में, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए, नाइट्रोजन के बेस चाहिए, शुगर चाहिए और फास्फेट चाहिए। डीएनए में तीन ही चीजें होती हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। क्या क्या चीजें होती हैं डीएनए आरएनए में, दोनों को हमें पढ़ा, नाइट्रोजन का बेस चाहिए, शुगर चाहिए, फास्फेट चाहिए। अब इस नाइट्रोजन के बेस में फर्दर दो तरह के बेस होते हैं, एक बेस होता है जिनको हम लोग प्यूरीन बेस कहते हैं,
प्यूरीन, और दूसरा होता है जिसे हम लोग पिरिमिडीन कहते हैं। ये देखिए पिरिमिडीन कहते हैं, तो मतलब दो तरह के नाइट्रोजन के बेस हैं, एक प्यूरीन है और दूसरा पिरिमिडीन है। ये दो तरह के नाइट्रोजन के बेस हैं डीएनए आरएनए दोनों में। इसी तरह से अगर शुगर की बात की जाए तो दो तरह के शुगर है, अगर आरएनए है तो ये शुगर कौन सी शुगर हो जाएगी, यहाँ पर ये राइबोस शुगर हो जाएगी, अगर आरएनए बना रहे हैं तो यहाँ पर शुगर हो जाएगी राइबोस शुगर, और अगर आप डीएनए बना रहे हैं तो यहाँ पर जो शुगर हो जाएगी वो बस बदल जाएगी, वो डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगी। ये देखिए मतलब डीएनए के केस में यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी इस जगह पर, और आरएनए के केस में यहाँ पर राइबोस शुगर होगी, इसलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फास्फेट दोनों में कॉमन है। प्यूरीन में अगर बात किया जाए तो प्यूरीन का पूरा अर्थ है कि पूरी में आग लगा दो, ऐसे में याद रखो पूरी में आग लगा दो, ये फार्मूला याद रखिए तो आपको काम देगा, पूरी में आग लगा दो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी में आग लगा दो, आपका भरोसा नहीं, आप कहाँ कहाँ आग लगाते हैं कुछ पता ही नहीं, आग कहाँ लगाते हैं, कभी कभी दिया जले जिया जले क्या क्या जले, तुम कहाँ कहाँ आग लगाते हो कुछ पता ही नहीं है, आग लगी हुई है, कभी आग लगे लग जावे, कभी दिल बुझे बुझ जावे, क्या क्या हो जावे, होने दो जो हो रहा है। फिलहाल आग जो लगानी है यहाँ दिमाग में लगानी है, दिल में आग नहीं लगानी है, ये जो दिल है ना, ये जो धड़क रहा है यहाँ पे, इसमें आग लगानी नहीं है, नहीं तो तड़प तड़प के इस दिल से आग निकलती रही। भाई कितना तड़प रहे हो तुम, इतना थोड़ी तड़पना है, नहीं तड़पना है तो आइए पूरी में आग लगाते हैं हम लोग, देखिए कैसे आग लगा रहे हैं। तो ये जो प्यूरीन का ग्रुप है इसमें दो लोग हैं, पूरी में आग लगा दो, तो यहाँ आग का मतलब एजी है, देखिए पूरी माने प्यूरीन से है, आग का मतलब एजी से है, तो प्यूरीन में दो लोग होते हैं, ए माने यहाँ पर होता है एडिनिन होता है, ऐसे याद करना है एडिनिन होता है, जी माने यहाँ पर ग्वानिन होता है, तो मतलब डीएनए और आरएनए में ये एडिनिन और ग्वानिन कॉमन है, मतलब पूरा पूरा प्यूरीन कॉमन है, समझ लीजिए इस बात को, ठीक से समझ लीजिए, दिमाग में समझ लीजिए तभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। इसी तरह से अगर आप पिरिमिडीन में देखें तो यहाँ पर सी माने, यहाँ पर देख लीजिए सी माने साइटोसिन है, अभी तक मैंने जितना लिखा इन नाइट्रोजन के बेस सब भी कॉमन है, मतलब एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन, एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए और आरएनए तीनों में दोनों में कॉमन है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कॉमन इन डीएनए और आरएनए, मैं यहां लिख दूं नहीं बवाल हो जाएगा, कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, तो अगर आपको डीएनए और आरएनए में कॉमन बेस पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कौन कौन सा बेस कॉमन है, एडिनिन कॉमन है, ग्वानिन कॉमन है, आप कहिए सर पूरा पूरा प्यूरीन कॉमन है, और ये देखिए पिरिमिडीन में केवल साइटोसिन कॉमन है, ये तीन नाइट्रोजन के बेस हैं जो डीएनए और आरएनए में कॉमन है, मतलब दोनों में पाए जाते हैं। अब आप यहां आइए, अगर आपको डीएनए पढ़ना है तो आप यहां पर थायमिन लिख दीजिए, थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए टी से रिप्रेजेंट करते हैं थायमिन को, तो अब आपको डीएनए में देखना क्या क्या है कि डीएनए में आपको तीन चीजें, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, एडिनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा, लेकिन अगर ये आरएनए हो जाए, अगर ये आरएनए हो जाए तो इसे थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ये देखिए तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए और आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस डिफरेंट है, डीएनए में और आरएनए में कौन से नाइट्रोजन का बेस डिफरेंट है, तो कौन सा नाइट्रोजन का बेस डीएनए है डिफरेंट है, अगर वो डीएनए है तो उसमें थायमिन पाया जाता है, ऐसे लिख लीजिए, लेकिन अगर आरएनए है तो उसमें यूरेसिल पाया जाता है। ये देखिए तो कौन कौन से नाइट्रोजन के बेस कॉमन है डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में एडिनिन कॉमन है, ग्वानिन कॉमन है, साइटोसिन कॉमन है, मतलब पूरा का पूरा प्यूरीन कॉमन है, पिरिमिडीन में साइटोसिन कॉमन है, डिफरेंट कौन सा बेस है, थायमिन की जगह पे डीएनए अगर तो उसमें थायमिन हो जाएगा और आरएनए तो उसमें यूरेसिल हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें ध्यान से देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनाना है, आरएनए बनाना है, ऊपर देखिए फिर यहां देखिए, तो अगर आपको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनाना है तो आप पूरा का पूरा प्यूरीन लेंगे,
पिरिमिडीन में साइटोसिन के साथ आप यूरेसिल लेंगे, यहां पर राइबो शुगर लेंगे, फिर फास्फेट हो जाएंगे, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। लेकिन अगर आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के बेस में ये देखिए प्यूरीन लेंगे पूरा, पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन लेंगे, यहां डीऑक्सीराइबो शुगर लेंगे और वो फास्फेट लेंगे। आपको ये बात सीखना है। अब आगे मैं आपको इसका डिटेल सिखाता हूं कैसे क्या हो रहा है।